Well, because I have posed this question to you, therefore, I would like to share with you my own handicap for the first 20 years of my life. And that handicap was that for 20 years in my life, I could not read and write Hindi. I learned ka, kha, ga, gha, nga for the first time after 20. After I had done my third year OTC of the RSS and become a Pracharak, and as Pracharak from 47 to 57, I was in Rajasthan, and where knowing only English and Hindi was a big handicap. Rather, knowing only English and Sindhi. My mother tongue is Sindhi. I've been born in Karachi, lived for the first 20 years of my life in Karachi, educated in a Catholic school, and therefore I was more familiar with English and Sindhi, and was familiar with Hindi only because I was a very fond film goer. Still am. और इसीलिए पिछले दिनों में the organizer published a special number of 100 years of cinema and said that we would like to interview you first of all. And they gave that interview the prominent place that Advani is talking to the organizer in respect of Hindi films. And the headline that they gave to my interview was that it is Hindi films which have made Hindi the lingua franca of India. Today, all over the country, because of Hindi films, Hindi is understood by a large section of the people. They may not be able to speak it, read or write it, but they can understand broadly. Anyway, this is just because I had posed to you the question, what should I speak in? Today as it is, after living 86 years of my life, I completed 86 only last November, I can say that of the languages which come to me very comfortably and I can speak best in them is neither English nor Sindhi but Hindi. तो मैं पहले पहले तो ये कहना चाहूँगा कि मैंने जानकारी की वेंकैया जी से और थोड़ी बहुत विजय जॉली से और मुझे लेने आए थे हमारे अमित ठाकर उनसे कि आज दिन में दिन भर आखिर तो 9:30 से लेकर के अधिवेशन शुरू हुआ है ओवरसीज़ फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी के आए हुए मुझे अभी बताया गया कि 25 से अधिक देशों से आए हैं 32 देशों से आए हैं हाँ 32 हाँ मैंने हिंदी में कहा 32 और किसी ने कहा कि 160 के करीब आए हैं किसी ने कहा कि 125 के करीब आए हैं लेकिन मैं मानता हूँ कि महत्व है कि 32 देशों से आए हैं इसका महत्व ज़्यादा है क्योंकि वैसे तो ओवरसीज़ फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी का कार्य शायद यूके और यूएस में अधिक होगा लेकिन वहाँ से जितना अधिक काम वहाँ पर है उसके अनुरूप शायद नहीं आए हैं कोई कारण होगा इतने आए हैं ये भी बड़ी बात है मैं इसके लिए विजय जॉली को और उनके सहयोगियों को और पार्टी के भी जिन जिन कार्यकर्ताओं ने इसमें योगदान दिया है उन सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और आप सभी का अभिनंदन करता हूँ
और मेरे मन में ये था कि क्योंकि मैंने भारतीय जनता पार्टी का विकास वह केवल 1951 में जब भारतीय जनसंघ का जन्म हुआ या 1980 में जब भारतीय जनता पार्टी का फॉर्मल जन्म हुआ और भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ी, तब से नहीं देखा है। मैं मानता हूं कि यह वर्ष जो है, जो अभी पूरा हुआ 2013, उसको माना जाता है कि यह स्वामी विवेकानंद जी का और 150वां वर्षगांठ है, 150th एनिवर्सरी ऑफ स्वामी विवेकानंद जी। एंड इट हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड इन द कंट्री, इट हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड ऑल्सो। मैं मानता हूं कि एक प्रकार से हमारी जो विचारधारा है वह विचारधारा उनसे प्रेरित है। यूं तो कोई कहेगा कि भाई स्वामी विवेकानंद जी तो मुख्य रूप से आध्यात्म के प्रवक्ता थे, ही वॉज अ स्पिरिचुअल जायंट, और समवन वन कैन से दैट ही रिप्रेजेंटेड हिंदुइज्म, ही रिप्रेजेंटेड हिंदू कल्चर। ये सही है, लेकिन मैं लोगों को ये भी बताया करता हूँ कि वो समय ऐसा था कि जब देश स्वतंत्र नहीं था, यहाँ पर अंग्रेजों का शासन था। और मैं हमेशा याद करता हूँ कि मेरा जन्म जो है वो जब हुआ तब तो मैं भारत स्वतंत्र नहीं था। मुझे नहीं पता कि आप में से कौन कौन हैं जो स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले या तो यहाँ जन्मे या यहाँ पर आए, लेकिन कितने होंगे आज इस सारे, कितने हैं, एक आगे है, दो चार पांच होंगे, ज़्यादा नहीं है। स्वाभाविक है क्योंकि भारत को स्वतंत्र हुए 47 में हम स्वतंत्र हुए तो लगभग 65 साल ही हुए हैं, और जिनकी आयु 65 से ऊपर होगी वे ही कह सकते हैं कि हमने जब स्वतंत्र नहीं था भारत तब हमने देखा है। मैं कभी भूलता नहीं हूँ और इसका उल्लेख किया करता हूँ कि मैं जब पहली बार नागपुर गया था, मैं रहता था कराची में, जन्म कराची में हुआ, शिक्षा कराची में हुई अधिकांश, और पहली बार जब नागपुर गया तो नागपुर जो ट्रेन जाती है जिसको आजकल कहते हैं सेंट्रल रेलवे, उसको उन दिनों में सेंट्रल रेलवेज नहीं कहते थे, उसको कहते थे ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे, ये नाम था उसका। और मैं पहली बार जब उस ट्रेन में बैठा तो एक बात ने मुझे बहुत हिलाया, मुझे धक्का लगा। मैंने देखा कि कंपार्टमेंट में जितनी चीज़ें हुई विच कैन बी सेड टू बी रिमूवेबल, अब जैसे गद्दा रहता है ना बेंच पर तो वो रिमूवेबल है, वैसे ही मैं टॉयलेट गया तो टॉयलेट में आईना लगा हुआ था तो आईना भी रिमूवेबल है, जैसे नलके भी रिमूवेबल हैं, ऐसी सारी जितनी रिमूवेबल वस्तुएं थी उन सब के ऊपर नॉर्मली लिखते हैं लोग, लिखते हैं जीआईपी रेलवे, सेंट्रल रेलवे आज लिखते हैं उसको उन दिनों में जीआईपी रेलवे लिखे, मुझे कोई आपत्ति नहीं होती, लेकिन सब पे क्या लिखा हुआ था, स्टोलन फ्रॉम द जीआईपी रेलवेज, अर्थात के शासन जो है
और शासक द रूलर्स फेल्ट दैट एनीथिंग दैट इज रिमूवेबल विल बी रिमूव बाय द पीपल ऑफ दिस कंट्री एंड पुट अप इन देयर ओन हाउसेस. बेसिकली ये मानना कि भारत के लोग चोरी करेंगे और चोरी करके घर पे जाकर के जब वो आईना लगाएंगे और कोई उसको देखेगा तो पता लगेगा कि ये जो है, क्योंकि GIP मिटाया जा सकता है, शायद स्टोलिन नहीं मिटाया, किसी को ख्याल में नहीं आएगा. या अगर कोई उन दोनों में कोई ऐसा व्यक्ति उठाएगा जो अंग्रेज़ी नहीं जानता तो वो नहीं समझ में आएगा, लगेगा कि नाम लिखा है अपना. बट इट वॉज ह्यूमिलिएटिंग, इट वॉज इंसल्टिंग, इट वॉज द एरोगेंस ऑफ एन इम्पीरियलिस्ट रूलर. और मुझे याद है कि उन दिनों में भी, क्योंकि संघ का स्वयंसेवक मैं बना 1942 में, 42 में, व्हेन आई वाज अबाउट 14 इयर्स ओल्ड, और तब से लेकर के, और संघ का जो संस्कार था, जिस संस्कार ने जीवन भर मुझे प्रभावित किया और जिसके कारण ही आज मैं भारतीय जनता पार्टी में सक्रिय हूँ. लगातार तब से लेकर के एक प्रकार से देश के लिए कुछ न कुछ करता आया हूँ, और यह यात्रा मेरी अनवरत चले. जीवन भर जितना सामर्थ्य प्रभु ने दिया है और स्वास्थ्य दिया है, शक्ति दी है, ऊर्जा दी है, उसका उपयोग मैं देश के लिए कर सकूं, यही एक इच्छा मन में रहती है. पर उस समय हम कभी कभी संघ की शाखाओं में भी सवाल पूछते थे कि हम भारत को स्वतंत्र बनाना चाहते हैं, हम भारत को एक महान देश बनाना चाहते हैं, तो हमको विचारधारा तो ये समझ में आई कि भाई भारत को महान बनाने की इच्छा इस कारण भी है कि हम मानते हैं कि हमारी संस्कृति महान है, हमारा इतिहास महान है, और हम अगर अपने संस्कृति से, अपने इतिहास से, अपनी परंपरा से प्रेरणा लेकर के और देश को स्वतंत्र बनाएंगे तो फिर स्वाभाविक रूप से उसी के आधार पर हम आगे चल करके भी देश को आगे बढ़ाएंगे. हम राजनीति में क्यों नहीं भाग लेते, ये सवाल हम कभी कभी शाखा में पूछते थे. और उन दिनों में हमको जवाब मिलता था कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जन्म हुआ वह तो डॉक्टर हेडगेवार ने किया, उन्होंने जन्म दिया. और डॉक्टर हेडगेवार कहते हैं कि दैट अ स्लेव कंट्री कैन हैव नो पॉलिटिक्स. एक दास राष्ट्र, एक गुलाम देश, उसकी कोई राजनीति नहीं होती, राजनीति तो स्वतंत्र देश की होती है. तो दिस वॉज द आंसर वी यूज टू गेट दोज डेज. मैंने स्वयं ने डॉक्टर हेडगेवार जी के दर्शन नहीं किए क्योंकि उनका स्वर्गवास उससे पहले हो चुका था. 42 में मैं स्वयंसेवक बना, उससे पहले उनका स्वर्गवास हो गया था. उस समय परम पूज्य श्री गुरु जी वे सरसंघ चालक थे और वे 39 में नहीं, शायद 40 में पहली बार सिंध आए थे, या 41 में आए होंगे. मैं उस सारे विस्तार में नहीं जाता, संक्षेप में कहता हूँ कि भारत में संघ की फॉर्मल तौर पर रुचि राजनीति में शुरू ही तब हुई जब भारत स्वतंत्र हुआ, इस बात को हम समझ लें. और उस समय भी हमारे कुछ लोग थे कि जिन्होंने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को संपर्क किया. डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी वे उन दो लोगों में से थे कि जो पंडित नेहरू के पहले पहले मंत्रिमंडल में नॉन कांग्रेसमैन थे, वो कांग्रेस में नहीं थे. और इनकी सलाह महात्मा गांधी ने दी थी नेहरू को कि मेरी सलाह है, तुम अपना मंत्रिमंडल नया बनाओगे तो उस नए मंत्रिमंडल में, बाकी तो तुम्हारा परिचय कांग्रेस के ही लोगों से होगा, लेकिन मैं दो नाम तुमको सुझा रहा हूँ कि जो कांग्रेस के नहीं रहे
और न केवल कांग्रेस के नहीं रहे लेकिन जीवन भर वो कांग्रेस के आलोचक रहे। बोथ ऑफ देम हैव बीन क्रिटिक्स ऑफ द कांग्रेस पार्टी ऑल देयर लाइव्स। ऐसे दो नाम मैं आपको सुझाता हूँ कि उनको भी अपने पहले पहले कैबिनेट में ले लो, और वो दो हैं, एक का नाम कहूँगा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, दूसरे का नाम कहूँगा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ये दो व्यक्ति हैं जो कभी कांग्रेस में नहीं रहे, और न केवल कांग्रेस में नहीं रहे लेकिन कांग्रेस के आलोचक रहे, कांग्रेस की नीतियों से वो सहमत नहीं थे। और बावजूद इसके मेरा विश्वास है कि इन दोनों को समाविष्ट करने से न केवल आपके मंत्रिमंडल को एक रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर मिलेगा कि आपने केवल मात्र उन लोगों को समाविष्ट नहीं किया है जो कांग्रेस के अनुकूल है या कांग्रेस के मेंबर रहे हैं, लेकिन जो कांग्रेस के मेंबर नहीं रहे हैं तो भी जो देशभक्त हैं और जो बुद्धिमान हैं, ख़ास करके नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है और नए कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा सिस्टम अपनाना है, इन बातों का फैसला करने के लिए इससे बढ़िया कोई व्यक्ति हो नहीं सकते जो दो मैंने सुझाए हैं, और पंडित नेहरू ने उसे स्वीकार कर लिया। मैं डॉक्टर मुखर्जी की तो मैंने प्रतिक्रिया नहीं देखी, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर ने कहीं पर लिखा है कि मुझे तो आश्चर्य हुआ कि मुझे कैसे लिया, क्योंकि वो न केवल कांग्रेस के आलोचक थे लेकिन गांधी जी के बहुत तीखे आलोचक थे। अंबेडकर बहुत आलोचना करते थे और इसीलिए उनके जो अनुयायी हैं आज, वो आज भी गांधी जी की बहुत आलोचना करते हैं। लेकिन इन दोनों को लेने से जिसने भी कभी कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोसेस को अध्ययन किया होगा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के डिबेट्स को देखा होगा, उनको इस बात का पूरा ज्ञान होगा कि भारत का संविधान बना, भारत का कॉन्स्टिट्यूशन बना, उसमें इन दोनों व्यक्तियों का बहुत बड़ा योगदान रहा। बोथ ऑफ कोर्स डॉक्टर अम्बेडकर वॉज अपॉइंटेड द लॉ मिनिस्टर, बट ही वॉज not so surprised as becoming law minister as when Pandit Nehru nominated him as the chairman of the constitution drafting committee. That surprised him the most. बहुत आश्चर्य हुआ कि मुझे कैसे बना दिया, मेरे विचार वो जानते हैं, पर वो उन्होंने स्वीकार किया और उन्होंने पूरा न्याय किया अपनी जवाबदारी के साथ। मैं इस बात का उल्लेख इसलिए कर रहा हूं कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उनका संबंध भी संघ से उसी समय आया। थोड़ी बहुत जानकारी थी लेकिन घनिष्ठ संबंध नहीं था, और पहली बार जब जनसंघ बना तो जनसंघ का नाम भी भारतीय जनसंघ नहीं था, तब भी कहीं पीपल्स पार्टी कहते थे, कहीं कुछ कहते थे, और प्रमुख रूप से उसकी शाखाएं उत्तर भारत में बनी, और उत्तर भारत में बनी और अपना मैनिफेस्टो बनाया डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपनी पार्टी का, जिसका जन्म हुआ 1951 में। उसके तुरंत बाद जिन लोगों ने उनको प्रेरित किया था कि आप अलग आइए, 51 में आप इसलिए बनाइए क्योंकि हम सोचते हैं कि 52 में जनरल इलेक्शंस पहला होगा। भारत ने संविधान में कहा है कि वी एक्सेप्ट द सिस्टम ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, और उस पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के संचालन के लिए पॉलिटिकल पार्टीज की ज़रूरत है, और इस समय एकमात्र पॉलिटिकल पार्टी छाई हुई है देश पर और वह है कांग्रेस पार्टी। बाकी भी जितनी पार्टियां हैं वो अलग पार्टी के रूप में काम नहीं करती हैं और एक प्रकार से कांग्रेस पार्टी को एक प्लेटफॉर्म मानते हैं अंग्रेज के खिलाफ युद्ध करने का। यहाँ तक कि कम्युनिस्ट पार्टी भी जो थी वह भी एक प्रकार से
कम्युनिस्ट पार्टी के नाम से नहीं होगा, लेकिन किसी न किसी लेफ्टिस्ट नाम से कांग्रेस का ही हिस्सा थी। मुझे याद है कि जब वाजपेयी जी 98 में प्रधानमंत्री बने और मंत्रिमंडल का की शपथ हुई और उसमें उन्होंने मुझे गृह मंत्री के रूप में जवाबदारी दी, तो मुझे याद है कि उस पहले ही दिन जिस दिन मंत्रिमंडल की शपथ हुई, शाम को वाजपेयी जी का फ़ोन मेरे पास आया कि अडवाणी जी केरल की खबर सुनी। मैंने कहा कौन सी खबर, तो कहा कि केरल के सबसे बड़े कम्युनिस्ट लीडर EMS नंबूदरीपाद, उनका देहांत हो गया, स्वर्गवास हो गया। मैंने कहा दुख की बात है बहुत, क्योंकि वो उनके बहुत बड़े और एक जिसको आइडियोलॉग कह सकते हैं, जो स्थान एक प्रकार से हमारी भारतीय जनता पार्टी जो बाद में बनी भारतीय जनसंघ, उसमें पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय का था डॉक्टर मुखर्जी के बाद, वैसा ही स्थान कम्युनिस्ट पार्टी में EMS नंबूदरीपाद का था। मैंने कहा बहुत बड़ी बात है। तो अटल जी ने फ़ोन मुझे इसलिए किया कि मैं तो आपसे सलाह करना चाहता था कि EMS नंबूदरीपाद का कल वहाँ पर सुबह फ्यूनरल होगा और उस फ्यूनरल के बाद एक ऑल पार्टी मीटिंग भी होगी, तो हमको किसी को भेजना चाहिए क्या अपनी पार्टी की ओर से। मैंने कहा मैं समझता हूँ अच्छा होगा कि पार्टी की ओर से भी कहा जाए और सरकार की ओर से भी कहा जाए। मैंने अटल जी को कहा कि आप अगर उचित समझे तो मैं जा सकता हूँ, मुझे कोई आपत्ति नहीं। कि आप जाएंगे तो बहुत बड़ी बात होगी, ज़रूर जाइए। और मेरा पहला ऑफिशियल फंक्शन था, जिसका मैं अनेक बार उल्लेख करता हूँ और कम्युनिस्टों को कहता हूँ, मैं कहता हूँ उनको कि हमको दीनदयाल उपाध्याय ने सिखाया कि भारत में सामाजिक क्षेत्र में कोई अगर अनटचेबिलिटी में विश्वास करता है तो न केवल कानून के खिलाफ है लेकिन सामाजिक व्यवहार के भी खिलाफ है, हम उसको अपराध मानते हैं। अनटचेबली फलाना जो है उसको हम छू नहीं सकते, फलाना जो है उसको हम स्पर्श नहीं कर सकते। भारत में ऐसे ऐसे हिस्से हैं कि जहाँ पर लोग अगर किसी शेड्यूल कास्ट के व्यक्ति के दर्शन भी कर लेते थे तो स्नान करते थे जाकर के, वो अपने को ऐसा पवित्र समझते थे कि इनके हमने दर्शन कर लिए तो अब जाकर के स्नान करना पड़ेगा। मुझे स्वयं याद है कि मैं फर्स्ट जनरल इलेक्शन में 52 में मैं राजस्थान में था उस समय, और उस समय अगर कोई हमारा कैंडिडेट होता था जो रिजर्व सीट के लिए खड़ा होता था, शेड्यूल कास्ट के रूप में लड़ता था, उसको हम कहते थे कि तुम आ जाओ मंच पर, तो वो कहते थे हम कैसे मंच पर आएंगे, मैं कैसे आपके साथ आकर के बैठूंगा, मैं नहीं बैठ सकता। और मुझे याद है कि कभी कभी आग्रहपूर्वक मैं उनको कहता था नहीं आप नीचे नहीं बैठ सकते ऊपर बैठो, बलपूर्वक कहता था। तो बहुत मुश्किल से आकर के मंच पर, वो भी फिर मैं जहाँ बैठा हूँ या बाकी लोग बैठे हैं उनके कुर्सी के नीचे पैरों में बैठ जाते थे कि मैं नहीं कुर्सी पर बैठ सकता आपके पास में। ये स्थिति थी जिसमें देश में। उसमें एक बार दीनदयाल जी ने कहा जो मैं आपको बता रहा था कि सामाजिक क्षेत्र में ये अस्पृश्यता हमने उसको पाप माना है, उसको कानून के खिलाफ माना है, पर राजनीतिक क्षेत्र में बहुत लोग हैं जो एक दूसरे से बात भी नहीं करते, छूते भी नहीं। और बहुत समय तक हमको जनसंघ का अनुभव है, नहीं जनसंघ से बात नहीं करेंगे, अभी भी कभी भी बात होती है, उसके कारण अलग अलग है। उसके कारण बहुत बार केवल वोट बैंक पॉलिटिक्स होती है और कुछ नहीं होता है। और दीनदयाल जी ने कहा कि कम से कम
जनसंघ का कोई कार्यकर्ता कभी इस प्रकार की अस्पृश्यता को अपने मन में स्थान न दे, न राजनीतिक क्षेत्र में न सामाजिक क्षेत्र में। और कितने सालों तक चली है ये मैंने अपनी अपना अपने जीवन में देखा है। मुझे याद है कि अभी अभी थोड़े ही दिन पहले ये सरकार चल रही थी, उस समय एक दिन हमारे विपक्ष में लोकसभा में विपक्ष की नेता पार्टी की हमारी है सुषमा स्वराज, सुषमा स्वराज अपने कमरे में बैठी थी तो उनके कमरे में एक सीपीएम का वासुदेव आचार्य जो नेता है उनका और एक सीपीआई का गुरुदास दास गुप्ता, ये दोनों गए कोई बात डिस्कस करने के लिए। और उनके कमरे में जा कर के और कहा कि आप अडवाणी जी को भी बुला लेंगी तो अच्छा रहेगा। तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया, मैंने कहा क्या बात है, तो उन्होंने कहा मेरे कमरे में ये आए हैं दोनों कम्युनिस्ट पार्टी के दोनों नेता वासुदेव आचार्य और गुरुदास दास गुप्ता, और वो कहते हैं कि अडवाणी जी भी यहाँ आ जाए तो हमको कोई बात डिस्कस करनी है। मैंने कहा मैं आता हूँ अभी, और मैं गया। और जाते ही उन्होंने गुरुदास दास गुप्ता मुझे कहता है कि अडवाणी जी वी हैव एंटर्ड इनटू फॉरबिडन टेरिटरी टुडे। मैंने कहा हु हैड फॉरबिडन यू, नॉट वी, यू मे हैव फॉरबिडन योरसेल्फ, एंड आई हैव ऑलवेज रिकाउंटेड दैट माय फर्स्ट ऑफिशियल ड्यूटी परफॉर्म दैट आई परफॉर्म्ड व्हेन आई बिकेम द होम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री वे बैक इन 1998 वॉज टू विजिट यूर हेडक्वार्टर्स इन इन केरला एंड जस्ट टू पे होमेज एंड जॉइन द फ्यूनरल प्रोसेशन ऑफ यूर लीडर EMS नंबूदरीपाद एंड आफ्टर दैट टू पे होमेज टू हिम एट एन ऑल पार्टी मीटिंग प्रिजाइडेड ओवर बाय द देन चीफ मिनिस्टर ऑफ केरला हु वॉज AK एंटनी। And I said that I discovered at that time, because before speaking, I tried to find out whatever I can. And I found out that about the same time that Dr. Hedgewar was the president of the Congress Vidarbha unit, Congress Party's Vidarbha unit in Nagpur, about the same time EMS Nambudripad was the president of the Malabar Congress unit here in this part of Trivandrum. And I felt, see, I have had my basic grounding in public life and in patriotism in the RSS. And you have drawn the same inspiration from your party here, which was also part of the Congress that time and was struggling against the Britishers. These are remarkable things. लेकिन मैं जब पूरी बात सोचता हूँ तो मैंने आज आते हुए सोचा कि मैं यहाँ आकर के आज की इकोनॉमिक पॉलिसी क्या होनी चाहिए, फॉरेन पॉलिसी क्या होनी चाहिए और इलेक्शन कैसे लड़ना और कैसे जीतना, ये तो हम रोज़ करते रहते हैं, रोज़ का काम है। लेकिन आज मैं इसकी चर्चा करने की बजाय एक पर्सपेक्टिव दूंगा कि कुल मिला करके आज हम जिस पॉलिटिकल पार्टी के माध्यम से देश को महान बनाने के लिए लगे हुए हैं उसका पर्सपेक्टिव क्या रहा शुरू से लेकर के, और उसका पर्सपेक्टिव बताते हुए मैंने विवेकानंद जी से शुरू किया, मैंने डॉक्टर हेडगेवार का उल्लेख किया कि किस प्रकार से और डॉक्टर मुखर्जी के साथ संपर्क आने के कारण और उन्होंने किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का जनसंघ का निर्माण किया, ये सारी बातें बताई। मैं आगे चल करके और थोड़ा बताऊंगा, लेकिन मोटी तौर पर मैं मानता हूं कि वी आर नॉट अ पॉलिटिकल पार्टी लाइक एनी अदर पॉलिटिकल पार्टी, कि जिसका उद्देश्य एक ही होता है कि हमको गवर्नमेंट अपने हाथ में करनी है। दैट्स नॉट द ऑब्जेक्टिव, दैट इज एन इंस्ट्रूमेंट, बट द ऑब्जेक्टिव इज कि दुनिया के सारे देशों में भारत महानतम देश कैसा बने।
हाउ कैन वी मेक भारत इंडिया हिंदुस्तान वॉट एवर यू कॉल इट द ग्रेटेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड हाउ कैन वी डू इट एंड पर्टिकुलरली इफ वी आर पार्ट ऑफ अ पोलिटिकल पार्टी हुज एस्पिरेशन नेचुरली इज टू यूज पॉलिटिक्स एंड गवर्नेंस एज एन इंस्ट्रूमेंट टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव हाउ डू वी डू इट अदरवाइज वाई शुड ऑल ऑफ यू कम फ्रॉम 25 कंट्रीज हियर वाई इट हैपन्स दैट द ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी वॉज फाउंडेड अराउंड To the best of my recollection, around 1992. Yes. And I was given the responsibility of going to USA to in Britain. Perhaps the seeds were laid earlier, Great Britain, because एक समय था जब शायद जनसंघ भी नहीं बना था. लेकिन हिंदू स्वयंसेवक संघ बना कई जगह पर जैसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यहाँ था वैसे हिंदू स्वयंसेवक संघ कई स्थानों पर बना शाखाएं भी बनी लेकिन मैं जब गया तब तक तो जनसंघ बन चुका था और जनसंघ बन चुका था तो आप में से कुछ पुराने लोगों का ज़रूर परिचय होगा आज हमारे पीयूष गोयल हैं बॉम्बे में जो कि पार्टी के कोषाध्यक्ष हैं उनके पिताजी थे वेद प्रकाश गोयल वो उस समय वो कोषाध्यक्ष थे पार्टी के जनसंघ के और मैं और वो हम दोनों गए थे अमेरिका यूके भी गए थे अमेरिका भी गए थे और अमेरिका में जहाँ तक मुझे याद है कि हम 9 स्थानों पर गए अलग अलग स्थानों पर और सब जगह पर ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी की स्थापना की और सब जगह पर इनवेरिएबल एक अनुभव आया कि सब जगह पर जूस का डेलीगेशन ज़रूर मिलता था आकर के हमको और आकर के हमको कहता था कि ये क्या है आपका देश इतना बड़ा इतना महत्वपूर्ण और हमने इज़राइल बनाया है हम यूरोप में रहते थे बहुत सारे और वो वहाँ पर गए उन्होंने इज़राइल बनाया है और इज़राइल के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस भी नहीं है इंडिया से मैंने कहा देखिए सो हमारी जहाँ पार्टी है हमारी पार्टी इस मत की है आग्रह पूर्वक कि इज़राइल को मान्यता हो देनी चाहिए डिप्लोमेटिक रिलेशंस होने चाहिए लेकिन आज जो सरकार में बैठे हुए हैं वो इससे सहमत नहीं है लेकिन मैं यहाँ आते हुए पीवी नरसिंह राव वहाँ पर प्रधानमंत्री थे मैं उनसे मिला था और मैंने उनको तब भी कहा कि ये बात उचित नहीं है और इसको ठीक करना चाहिए और मैं आपने जो बात कही है मैं अपनी पार्टी की दृष्टि से भी उसको आवश्यक समझता हूँ अभी फिर जाकर के उनसे बात करूँगा और मैं कहूँगा कि सब स्थानों पर मुझे जूस के डेलीगेशंस मिले और उन्होंने इस बात को बल दिया और मैं आकर के कहता था तब भी उन्होंने मुझे कहा था आपकी बात तो सही है होना चाहिए लेकिन मैं हिम्मत नहीं कर पा रहा हूँ और मैंने ये सोचा है एक GOM बनाऊंगा और GOM मैं उम्मीद करता हूँ कि वो रिकमेंड करेगा उसके बाद मैं कर लूँगा उन्होंने एक GOM बनाई भी और मैं लौट करके आया फिर उनसे मिला उन्होंने कहा नहीं अब हो जाएगा अब बात हो गई आपकी ज़रूर हो जाएगा सो दैट इन अ वे व्हेन आई विजिटेड इज़राइल एंड आई विजिटेड इज़राइल नॉट व्हेन आई वॉज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बट व्हेन आई वॉज I have gone there twice or thrice. Maybe. Welcome to meet you. But I felt very happy when I visited as party president. I went there. And later on, I went there as home minister and deputy prime minister. Second time that I went. Anyway, but I am recalling this because I feel that the Janasangha, which was formed in 1951 and today it is functioning as the Bharatiya Janata Party. In these 60-65 years, we have grown very systematically.
एंड विथ अ क्लियर विजन ऑफ द फ्यूचर. एंड दैट क्लियर विजन ऑफ द फ्यूचर इज दैट वी मस्ट इंश्योर दैट दिस ग्रेट कंट्री विथ इट्स इमेंस पोटेंशियल इज एबल टू अचीव अ प्लेस इन द ग्लोब, अ प्लेस इन द वर्ल्ड कमेंसुरेट विथ आवर ग्रेट पोटेंशियल. We cannot be just a country which is respected because of Vivekananda, because of our culture, because of our heritage, because of our religion, because of not because of that. So long as we have poverty, extreme poverty of the kind that we have, so long as we do not have a proper infrastructure in the country, so long as we have so many people who are illiterate. अरे मैं हिंदी में बोलता हूँ तो मैं उनको कहता हूँ कि ये हमारे लिए कोई गर्व की बात नहीं है कि बहुत सारे लोग, करोड़ों में लोग अभी भी ऐसे हैं कि जो अपना नाम नहीं लिख सकते, हस्ताक्षर नहीं कर सकते और अंगूठा लगा करके और किसी महत्वपूर्ण दस्तावेज पर भी हस्ताक्षर करते हैं. यानी दे आर वेरी इंटेलिजेंट. अगर ऐसा देश ये न होता ना कि जहाँ पर इलिटरेसी होते हुए भी अज्ञान नहीं है, ज्ञान फिर भी है, समझ है, सूझबूझ है. लोगों को तो आश्चर्य हुआ कि जब 1977 में इमरजेंसी लगने के बाद और हम जब कहते थे कि ये इमरजेंसी इलेक्शन हो जाए ना तो नहीं चलेगी, तो उन्होंने कहा इमरजेंसी से इलेक्शन से क्या संबंध, इलेक्शन में तो लोग वोट देते हैं तो जाति देख करके देते हैं. वो एक इलेक्शन ऐसा मैंने देखा है कि जिसमें हम जब पार्लियामेंट्री बोर्ड में बैठते थे ना, मुझे याद है उनका डेथ हो गई अब, नानाजी देशमुख का नाम मैंने कहा, तो उन्होंने कहा नाना जी को कौन वोट देगा, यहाँ पर आप बात कर रहे हैं यूपी में नाना जी को खड़ा करने की बात कर रहे हैं, यूपी में महाराष्ट्र हैं कितने, क्या होगा. मैंने कहा कि इस इलेक्शन में, इस इमरजेंसी लगने के बाद मैं आपको बताता हूँ, कोई जाति वाति नहीं देखेगा और जाति वाति कुछ नहीं देखेगा, कौन इमरजेंसी का समर्थक है, कौन इमरजेंसी का विरोधी है, इस आधार पर ही फैसला होगा. और हिंदुस्तान के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ जैसा उस इलेक्शन में हुआ. सबसे बड़े स्टेट्स कौन से थे, एक था उत्तर प्रदेश, जहाँ पर लोकसभा की उस समय 85 सीटें थी, अब 80 हो गई क्योंकि उत्तराखंड बन गया. दूसरा नंबर दो स्टेट था बिहार, जहाँ पर 54 सीटें थी लोकसभा की, 85 एक, 54 दूसरी, आप सोचिए. और हर कंस्टिट्यूएंसी में जैसे ही नाम किसी का रखते थे, अरे इसके जाति के लोग हैं कितने, आप कैसा कैसा नाम रख रहे हैं, क्या कर रहे हैं. मैं एक नाना जी का दे दिया, मैं दूसरा कोई दूंगा नहीं, लेकिन मुझे याद है कि कैसे बहस करते थे और कितनी देर बहस करते थे. और 85 में से आप सुनकर के हैरान होंगे कि 85 में से कांग्रेस को 0 मिला, एक भी सीट नहीं मिली. बिहार में 54 में से 0 मिला, एक भी सीट नहीं मिली. और मैं उस समय सारे जब दौरा करता था तो मुझे याद है मध्य प्रदेश में गया था. मध्य प्रदेश जो है वो वैसे लोकसभा की सीटें ज़्यादा नहीं है, स्टेट बड़ा है, एरिया में बड़ा है, और सीटें उस समय 40 थी, अब तो शायद 29 हो गई ना, 29 हो गए, लेकिन तब 40 थी. और 40 में से कांग्रेस को एक सीट मिली थी. और मुझे याद है मैंने कहा कि देखिए इस बार तो कांग्रेस पार्टी ने रिकॉर्ड तोड़ा है. मैंने कहा मैं क्रिकेट का शौकीन हूँ और मैं देखता हूँ कि भाई सेंचुरी ज़्यादा गावस्कर ने की कि सचिन ने की, किसने की, धोनी ने की, ये सब देखता हूँ. लेकिन मैं जानता हूँ कि कुछ शौकीन होते हैं क्रिकेट के जो सेंचुरीज में इंटरेस्टेड नहीं होते हैं, जीरो देखते हैं किसने ज़्यादा किए.
और मैंने कहा कि क्रिकेट का इतिहास तो वो लड़के जाने जो क्रिकेट के शौकीन हैं, लेकिन इलेक्शंस का इतिहास मैं जानता हूँ। कभी ऐसा नहीं हुआ कि इतने स्टेट्स में किसी एक पार्टी को 0-0 मिले और कांग्रेस पार्टी को। आपने क्यों उनका रिकॉर्ड बिगाड़ दिया ये मध्य प्रदेश वालों ने कि एक सीट दे दी, 0 देते आप भी क्या बिगड़ जाता? राजस्थान ने भी एक सीट दे दी, मध्य प्रदेश ने भी एक सीट दे दी, बिगाड़ दिया उनका रिकॉर्ड। तो एक लड़का पीछे था, मैं समझता हूँ मेरा ये भाषण हुआ था मध्य प्रदेश की किसी गुना की सीट पर या रतलाम की सीट पर, और वहाँ से पीछे से लड़का एक चिल्लाया, क्या आडवाणी जी वो जो एक था ना वो भी कोई स्कोर नहीं था, वो नो बॉल था। मैं ये उदाहरण इसलिए देता हूँ क्योंकि जब जनता को गुस्सा आता है ना तब कभी कभी ऐसा होता है। आजकल वातावरण सारा जो है ना गुस्से का है, क्या होगा मैं नहीं कह सकता, लेकिन लेकिन मुझे विश्वास है कि बहुत अच्छी उम्मीद हम कर सकते हैं इस बार के चुनाव परिणामों की, बहुत अच्छी कर सकते हैं। नेगेटिव वोट के आधार पर ही फैसला हो जाएगा। हमारे यहाँ बैठे हुए हैं हर्षवर्धन जी, हाँ नो बॉल तो वो कर रहे हैं लगातार 10 साल से नो बॉल कर रहे हैं। अच्छा खैर, छक्का मारेंगे, छक्का तो हम मारेंगे, लेकिन मैं जो बात आपको बता रहा हूँ वो ये कि इतिहास में ये सब हुआ है, और उस इतिहास में मैं मानता हूँ कि एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर रहा है इमरजेंसी, जबकि लगभग लोकतंत्र को विदाई देने की अवस्था तक पहुँचा दिया कांग्रेस पार्टी ने। मैं कभी कभी कांग्रेस पार्टी के 1947 से लेकर के आज तक के पाप गिनता हूँ सरकार में आने के बाद, तो मैं 62 को भूल नहीं पाता हूँ कभी भी। 62 में जिस प्रकार से हमने चीन पर भरोसा करके और गलत भरोसा करके और देश को और देश की सेनाओं को चीन के हाथों अपमानित होने दिया, वो नहीं भूल सकता। मैं उससे भी बड़ा अपराध मानता हूँ कि जब हमने लोकतंत्र को अपनाया था संविधान में तो दुनिया के लोगों ने कहा लोकतंत्र हिंदुस्तान में चलेगा नहीं। ख़ास करके पश्चिम के जितने विद्वान थे वो सब कहते थे कि अरे हिंदुस्तान में जहाँ लोग पढ़े लिखे नहीं, जहाँ लोग शिक्षित नहीं, जहाँ इतनी बेरोज़गारी है, इतनी अज्ञान है, वहाँ क्या लोकतंत्र चलेगा। और नेहरू जी के कारण एक जो प्रभाव रहा है, बाकी सारी दुनिया में ये चर्चा चलती है हु आफ्टर सो एंड सो, तो उन दिनों में हम भी सोचते थे कि हु आफ्टर नेहरू वुड बी एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, लेकिन मुझे देख करके आश्चर्य हुआ कि उन दिनों में हु आफ्टर नेहरू इतनी चर्चा नहीं होती थी, थोड़ी बहुत होती थी, लेकिन व्हाट आफ्टर नेहरू, दिस यूज टू बी द क्वेश्चन, क्या लोकतंत्र बचेगा उसके बाद। और ये मानते थे कि जब तक नेहरू है तब तक लोकतंत्र है, उनके जाने के बाद लोकतंत्र नहीं बचेगा। कितने साल हो गए अब नेहरू जी को गए हुए, नेहरू जी के कुल मिला करके गिनती करता हूँ कभी कभी प्रधानमंत्रियों की संख्या की, तो 14 प्रधानमंत्री हुए हैं, 14 कुल मिला करके। ये ठीक है कि सिवाय 3-4 के किसी ने 5 साल पूरा नहीं किए, बाकी सब कोई 6 महीने, कोई 1 महीना, कभी 2 महीने, ऐसे करके। जब भी कांग्रेस को लगता था कि हमको न खड़ा करके किसी ने किसी थर्ड फ्रंट वाले को खड़ा कर देना चाहिए तो कर लेते थे। एक प्रकाश चंद्रशेखर जी हुए, एक बार वीपी सिंह हुए, एक बार वो अलग अलग हुए। मैं इस बात का जिक्र केवल इसलिए कर रहा हूँ कि हिंदुस्तान में लोकतंत्र सहज स्वाभाविक रूप से सफल हुआ। मुझे याद है कि एक बार शायद ये 1990 के लगभग था, 90 के लगभग
कनाडा की टेलीविज़न टीम आई थी हिंदुस्तान में, और वो कनाडा की टेलीविज़न टीम सारे देश का भ्रमण कर रही थी, लेकिन दिल्ली में प्रमुख रूप से आई कि हम पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है ना उनसे हम भेंट करना चाहते हैं। और मैं उस समय पार्टी का अध्यक्ष था, भारतीय जनता पार्टी बनी थी, भारतीय जनता पार्टी 1980 में बन गई थी, और मैं अध्यक्ष था। तो उन्होंने अशोक रोड की इसी यहाँ पर लॉन में मुझसे एक इंटरव्यू किया, उनकी टीम थी पूरी, और कहा कि हम कैनेडियन टेलीविज़न टीम से आए, कनाडा से कोई है? है, कई है, कई है, हाँ। तो कैनेडियन टेलीविज़न टीम आई थी, उन्होंने कहा कि वी आर डूइंग अ सीरियल ऑन द राइज एंड फॉल ऑफ डेमोक्रेसीज अराउंड द ग्लोब, और वी आर ग्रेटली इम्प्रेस्ड बाय द फैक्ट दैट इंडिया हैज़ बीन अ फ्री कंट्री सिंस 1947 एंड वी आर स्पीकिंग टू यू इन 1990 और 91 समवेयर देयर। ओनली इन द प्रीवियस इलेक्शन योर पार्टी हैड वर्चुअली बीन वाइप्ड आउट इन 1984, द बीजेपी हैड सिक्योर्ड ओनली टू सीट्स इन द होल कंट्री 1984, ओनली टू, वी वर फॉर्म्ड इन 1980। Even in the first general election of 1952, the Janasangh had got 3 seats, 2 from Bengal, one of them being Dr. Mukherjee, and the other being one Banerjee, and one from Rajasthan, Uma Shankarji Trivedi, 3 seats. But in 1984, after the assassination of Mrs. Indira Gandhi, who was killed by her own security men, we were wiped out in the whole country. We got only 2 seats in the whole country. We had set up around 300. We got only 2. But in the next election of 1989, the BJP went from 2 to 86. It was a big leap forward, and after that we did not look back until in 1996 Vajpayee became the prime minister. That was also only for a few days, but in the next election of 98 we got a stable majority, and along with others we ruled the country for six long years, 2 terms, 6 years totally. I am referring to this because the questioner asked me, the lady, on behalf of the Canadian television team, how do you account for this? How is it that while most other developing countries who were under British rule, who were under some kind of colonial rule, even after they ceased to be colonies and got their independence did not survive long. They did not survive long, at least as democracies. There was some or other form of army rule or autocratic rule. Something or the other happened. But in this country, we are interviewing you because you have been active in politics since the first general election. And till today you are active. Therefore, we are asking you this question. Why is it that you have succeeded in preserving democracies in spite of the fact that you had to go through an emergency once when for about 19 months democracy was suspended, all fundamental rights were suspended, and most of you, even a person as important as Vajpayee, or as you, or as Jayaprakash Narayan, or as Morarji Desai, or as Chandrasekhar, all were in prison for 19 months, all of you. And yet, democracy has survived, except for that one
वन डार्क पीरियड ऑफ 19 मंथ्स. मैंने कहा कि इफ यू आर विलिंग टू लिसन टू मी टू माई आंसर फॉर दिस, आई वुड लाइक ऑल ऑफ यू ऑल्सो टू अप्रिशिएट दिस. आई होल्ड दैट फॉर अ डेमोक्रेसी टू बी स्टेबल, वॉट इज नीडेड मोस्ट इन एनी कंट्री इज एन एटीट्यूड ऑफ एक्सेप्टिंग अ टोटली डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू. अ डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू कैन बी एक्सेप्टेड इन अ हैज टू बी एक्सेप्टेड इन अ डेमोक्रेसी. यू कैनॉट हैव इंटॉलरेंस टूवर्ड्स अ डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू. दिस इज अ फंडामेंटल फैक्ट इन ऑर्डर टू इंश्योर सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी. आई सेड एन इंटॉलरेंस टू अ डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू इज सीन मोस्ट इन द फील्ड ऑफ रिलीजन. दैट्स वन फील्ड इन विच इंटॉलरेंस इज मोस्ट विजिबल. हियर इन इंडिया, इवन दो अ वास्ट मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर हिंदूज, दे आर जनरली गॉड फियरिंग, दे बिलीव इन गॉड, they are not atheists, they may be agnostic some of them but not atheists, and yet there is no intolerance. Not only no intolerance, but we have had here scholars like Charvak. Some of you may have heard his name. A famous shloka that he recited was yavat jivam sukham jivet ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः. दिस इज अ श्लोक रिसाइटेड बाय चार्वाक प्रोपाउंडिंग प्रैक्टिकली द फिलॉसफी ऑफ ईट ड्रिंक एंड मेक मेरी. यावत् जीवम सुखम जीवेत, दिस लाइफ स्पेंड इट वेल, स्पेंड इट हैप्पीली. How does he define happiness? He says, "Rinam kritva gritam pibet, karza lo aur ghee piyo, mauj karo, karza lo, matlab wapas mat dena, ghee piyo, mauj karo." और ये जो लोग पंडित आपको कहते हैं ना कि अगले जन्म में अच्छा कर्म करोगे तो अगले जन्म में उसका पुण्य मिलेगा, का बकवास करते हैं. कोई अगला जन्म होता नहीं. भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः, ये जो शरीर है वो तो भस्म होने वाला है, ये पुनरागमन होगा, फिर से आओगे, फिर जन्म लोगे और उसका पुण्य तुमको मिलेगा. बकवास है बिल्कुल. दिस इज अ फिलॉसफी प्रोपाउंडेड बाय अ पर्सन बाय नेम चार्वाक, एंड दैट ही वाज नॉट ओनली टॉलरेटेड इन द वेस्ट. We have known of people like Galileo being tried at the Inquisition, that he said that it is the earth that moves round the sun, not the sun that moves round the earth. He said, what is this nonsense? Have you read the scriptures? Have you read the sacred texts? What do they say? And you cannot, as a scientist, preach something contrary to that. You cannot. And therefore, he had to face the Inquisition. And he had to accept in the Inquisition that what I was saying as a scientist was wrong. I was totally misguided. I am sorry for that. I apologize and I take back my words. And it said that if any was coming out of the Inquisition hall, a colleague of his, उनको उसने कहा कि मेरे कहने से थोड़ी बदल जाएगा. घूमता तो फिर भी पृथ्वी घूमती है, सूरज थोड़ी घूमता है. My saying it will not change the scientific fact. पर मैंने कह दिया ठीक है, वो इसी में खुश थे, नहीं तो मुझे सूली पे चढ़ा देते. So that was this was the kind of feeling. Here in India, it doesn't happen. Here in India, even a person like Charvak, he is not only tolerated, but he is respected. He is known as Rishi Charvak. Rishi Charvak, don't accept his philosophy.
बट ही हैज़ द राइट टू से इट, ही हैज़ राइट टू प्रीच इट. आई सेड व्हेन दिस इज द स्टेट ऑफ अफेयर्स इवन इन द फील्ड ऑफ रिलीजन, हाउ कैन इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स, हाउ कैन इन द फील्ड ऑफ पॉलिटिक्स, हाउ कैन इन द फील्ड ऑफ सोशियोलॉजी देयर बी इंटॉलरेंस, देयर कैन नॉट बी. Democracy has succeeded in India principally because of this fact. This is the fact that we must understand. And I do not know. Enjoying it? Yes. No, I saw in the program that was sent to me that there is the dinner also 7:30 somewhere. 7:30 onward. It is a lot of time still. We'll all go from there. You feel like it? Yes. Yes. मैं तो इतना ही कहना चाहता हूँ, मैं तो आपको जो बताना चाहता था कि शुरू वहाँ से किया और करते 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 हमने यह 65 साल देखे हैं, और उन 65 सालों में जहाँ शुरू के वर्ष कभी कभी लोग हमको कहते थे कि देखिए आपकी जो राजनीति में सफलता है वो आपने दिल्ली कॉरपोरेशन जीत ली, आपने एक आध स्टेट भी जीत लिया, लेकिन जिस प्रकार की मोनोपोली कांग्रेस पार्टी को है देश भर में कि आज से 20-25 साल पहले तक सेंटर में भी उनका राज और अधिकांश स्टेट्स में भी उनका राज, इसको आप तोड़ थोड़ी सकेंगे, यू कैन नॉट चेंज दिस. और फिर जब हमारी संख्या कुल मिलाकर के सारे देश में दो हो गई 1984 में, ओनली 1984, नॉट वेरी लॉन्ग बैक, तो फिर कहा कि अब तो राइट ऑफ करो, खत्म हो गया आप तो, बीजेपी कुछ नहीं बचा. और हम में से भी कुछ लोगों को लगता था इंदिरा गांधी की शोक सभा का चुनाव है, और उस शोक सभा के बाद जो चुनाव हुआ उसमें जिनकी जिनका स्वर्गवास हो गया, जिनकी मृत्यु हो गई, जिनकी हत्या हो गई, उसी का सुपुत्र खड़ा हुआ, राजीव गांधी खड़े हुए. और राजीव गांधी खड़े हुए तो लोगों ने उस सहानुभूति में ही, शोक सभा है तो सहानुभूति हो गई, उन्होंने वोट दे दिया. इतने कभी सीटें नेहरू को नहीं मिली, इतनी सीटें कभी इंदिरा गांधी को नहीं मिली, और उतनी सीटें इनको मिली. जैसे शोक सभा में मिल जाता है ना, कभी कभी गुस्से में भी बहुत मिलता है. देखो ना ये सब, अभी जो चार स्टेट्स का इलेक्शन हुआ, इनको हर्षवर्धन को थोड़ा समय पहले खड़ा कर देते तो ये भी सरकार, ये भी मुख्यमंत्री बने हुए होते, मुख्यमंत्री बने हुए होते. और थोड़ा देर से कर देते तो ये आम आदमी पार्टी जीत जाती. लेकिन हमारी थोड़ी कमी रह गई, अन्यथा यहाँ पर ये चारों सेठ जो है ना हमारे पास शान से रहते और मुख्यमंत्री के रूप में बैठे रहते हमारे. मैं इस बात का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आज हमने कांग्रेस पार्टी का एक अधिकार ख़त्म कर दिया है और देश को टू पार्टी सिस्टम में नहीं परिवर्तित कर सके हैं, लेकिन एक बायपोलर पॉलिटी में परिवर्तित कर सके हैं कि आज कोई केंद्र की सरकार, या तो उसको कांग्रेस पार्टी का समर्थन चाहिए या हमारा समर्थन चाहिए, या और उसमें भी फर्क ये पड़ा है कि अब तक तो कांग्रेस पार्टी समर्थन से कुछ कर लेती थी क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी भी उनके साथ होती थी, अब लगता है कि कांग्रेस पार्टी तो बना ही नहीं सकती, बनाना पड़ेगा इधर उधर से किसी को. बहुत करके तो मुझे तो संदेह नहीं दिखाई देता कि आने वाली लोकसभा में जो जिसके लिए इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि 1 जून से पहले पहले वह नई लोकसभा बन जाएगी, उसमें सबसे बड़ी पार्टी निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ही होगी. और जिस प्रकार का उत्साह देश भर में
नरेंद्र मोदी जी के लिए साफ दिखता है सब लोगों को। उसमें बढ़िया बढ़िया संभावना है, वो संभावनाएं, उन संभावनाओं को हम जो लोग विदेशों में बैठे हुए हैं, विदेशों में बैठे हुए लोग यहाँ से यही लेकर के संदेश जाए कि यह पार्टी ऐसी है कि जिसके सामने एक तो राष्ट्रवाद की विचारधारा है, आइडियोलॉजी ऑफ नेशनलिज्म दैट इज प्रोमिनेंट इन दिस पार्टी। देर आर नो पीपल, देर आर नो पर्सन्स वॉन्टिंग एनी पोस्ट और एनी ऑफिस एटसेट्रा। वी वॉन्ट टू सी दिस कंट्री एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स इन द वर्ल्ड। दिस इज अवर नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी एंड नॉट ओनली कमिटमेंट टू आइडियोलॉजी बट ऑल्सो कमिटमेंट टू क्लीन पॉलिटिक्स। If the country gives us ability to rule, we have already shown how we can rule. 6 years Vajpayee was in government, from 1998 to 2004. And those 6 years were exemplary from every point of view. There have been several state governments like that we have had in Gujarat, that like that we have had in Madhya Pradesh, like that we have had in Chhattisgarh, and like that we have had in even Uttarakhand and in Himachal earlier, and like that we have had in several corporations. All of them have given honest government, clean government, responsible government. And therefore, idealism on the one hand and ideology on the other, these are the two key elements in our approach to politics. Aur in dono baaton ko bas ek roop mein sab mila karke kare to mujhe nahi lagta ke 1914 why we cannot make it a turning point in the history of the country. 2014 ka janm jo hua hai uske karan chhaya hua hai, lekin 2014 can be a major turning point in the history of this country, and in that you also have to contribute. Mujhe ye yaad aata hai ki main gaya tha wahan par overseas friends of BJP ki sthapna karne ke liye अपने विजय गोयल के साथ, और आज विजय जॉली दूसरे हैं जिन्होंने संभाल रखा है बढ़िया ढंग से, और मंच पर बैठे हुए जितने प्रमुख लोग हैं वो सब के सब इस बात को सफल करके दिखाएं। मुझे बहुत खुशी होगी, आनंद होगा, और आज मुझे यहाँ पर बुलाया तो मुझे बहुत, इतने स्थानों से आए हुए लोगों को देख करके बहुत खुशी हुई, बहुत खुश हुई। बहुत बहुत मेरी शुभकामनाएं हैं, मेरा आशीर्वाद है, और मुझे विश्वास है कि देश की करोड़ों जनता जो है वो भी बहुत आनंदित होगी। जो इंतज़ार तो कर ही रहे हैं, वो चाह रहे हैं, और ये चाहते हैं कि भाई हर दृष्टि से ये जो नई सरकार आए वो इस देश को महान बना करके दिखाए, परम वैभव पर पहुंचा दे।